जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान चलते ट्रेन में एक विदेशी महिला ने रेलवे के एक अधिकारी पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। दरअसल यह पूरा मामला राजस्थान के जोधपुर से निकल कर आ रहा है। दरअसल जैसलमेर जा रही इटली की एक युवती ने कोच अटेंडेंट पर अकेला देख अभद्रता करने का आरोप लगा दिया है। जीआरपी ने शांति भंग के तौर पर उसे गिरफ्तार किया है और 6 माह के लिए पाबंद कर जमानत पर भी छोड़ दिया है। दरअसल रानीखेत एक्सप्रेस में इटली की एक युवती यात्री कोच A1 में जैसलमेर जा रही थी और कूपे में अकेली थी। अटेंडेंट नैनीताल के दोली रेंज निवासी श्री बंगाली गुप्ता 53 वर्षीय ने छेड़खानी शुरू कर दिया था और बचने के लिए टॉयलेट में चली गई और अंदर से बंद कर लिया था। अपने दोस्तों जो उसी ट्रेन में दूसरे कोच में यात्रा कर रहे थे उनको उसने जानकारी दी है। उन्होंने यह बात अधिकारियों तक पहुंचाई है। इसके बाद RPF और GRPF ने फलोदी में अटेंडेंट को नीचे उतारा और GRPF ने SDM कोर्ट में पेश किया है। उसे 6 महीने के लिए पाबंद कर छोड़ दिया गया है। वहीं विदेशी यात्री ने इसकी शिकायत देने से भी इनकार कर दिया है। दरअसल बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट बॉक्स में राय जरूर